की एकादशी पर किस प्रकार अपने इष्ट देवों को प्रसन्न किया जाए और उनसे किस प्रकार आशीर्वाद को प्राप्त किया जाए। देवताओं को शयन निद्रा से उठाने का पर्व इस साल 23 नवंबर को यानी कल मनाया जाएगा। हिंदू धर्म के इस खास पर्व की ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता शयन मुद्रा में चले जाते हैं तो कार्तिक मास की एकादशी को यानी देव उठनी एकादशी को देवता अपनी शयन निद्रा से उठ जाते हैं। यही वजह है कि देवताओं और घर के इष्ट देवों को जगाने का यह पर्व देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म का यह सबसे पवित्र त्यौहार विशेषतः भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। विशेष बात तो यह है कि इस बार देव उठनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव शयन करते हैं एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठते हैं। देवों के उठने का पर्व देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह पर्व 23 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक योग भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि नामक योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। इस दिन विशेषता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिनके बारे में कहा गया है, अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्त्वं मे प्रभो, यस्य नाथो जगन्नाथ तस्य दुखम कथम प्रभो। देवउठनी एकादशी के दिन अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन में 5 चरण होते हैं, जिसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य आता है। इन 5 प्रकार के वस्तुओं से पूजन करने से अपने इष्ट देव का भरपूर आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व धर्मशास्त्रों में बताया गया है, इसलिए इस दिन सायंकाल के समय देव मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव के समक्ष पंच दीप दान करना चाहिए। इससे अपने इष्ट देव की भरपूर कृपा व्यक्ति के ऊपर बरसती है और आगामी समय में व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।